हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसका चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें आपका एक ही क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। जो हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी है, मतलब नेशनल इकोनॉमी होती है, उसमें जो एरोमेटिक होते हैं यानी प्लांट और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनका क्या रोल होता है, मतलब उसको इंक्रीज़ करने में उनका क्या रोल होता है नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने में। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ लेता है अगर आपका चैप्टर नंबर 8 से अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन रखता है। तो इसमें हमने जो है 3 पेज का आंसर आपके लिए लिखाया है, पूरा चैप्टर आपका 3 पेज में है। तो दोस्तों, इसको अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है, 3 पेज में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इंडिया में बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं, इनका यूज़ लगभग 10,000 साल पहले मतलब स्टार्ट हो चुका था। मतलब जो मेडिसिनल का मतलब यानी जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, मतलब जो आपके जो प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों उनका यूज़ हमारी इंडिया में बहुत बरसों से पहले किया जा रहा है और उनसे हमको फ़ायदा भी होता है क्योंकि उनसे मेडिसिन तैयार की जाती है और मेडिसिन तैयार करने के बाद मार्केट में बेची जाती है, जिससे जो है हमारे देश की इकोनॉमी में मतलब इंक्रीज़ होता है। हमारे इंडिया के अंदर 2000 प्लांट को ऐसी मतलब स्पीसीज हैं जिनका यूज़ ट्रीटमेंट में किया जाता है। बहुत से प्लांट ऐसे हैं, बहुत से मतलब फॉरेस्ट हैं, जंगल ऐसे बने हुए जिसमें बहुत से प्लांट हैं जिसमें उनका जो यूज़ होता है वह मेडिसिन बनाने में किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है 1300 स्पीसीज ऐसी हैं जिनका यूज़ फ्लेवर के रूप में किया जाता है। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है जब, तब उसमें जो है फ्लेवर दिया जाता है, तो फ्लेवर को देने के लिए 1300 स्पीसीज का यूज़ किया जाता है, मतलब ये अनुमानित लिखा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इंडिया में 880 स्पीसीज ऐसी हैं जिनका नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है। तो दोस्तों, यही हमने सब इसमें नॉलेज लिखी है, तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। और मतलब हर्बल ड्रग की डिमांड और सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया में हर्बल मेडिसिन का जो रेवेन्यू है वह लगभग 2300 करोड़ का है। तो इसमें हमने मतलब इनका रेवेन्यू भी डिफाइन कर दिया है। तो आप अगर एग्ज़ाम में उसका रेवेन्यू और परसेंटेज को टोटल डिफाइन करेंगे, डॉलर को डिफाइन करेंगे, तो दोस्तों जब आपके एग्जामिनर होगा वह कॉपी चेक करेगा और कुछ पॉइंट को पढ़ेगा। तो दोस्तों, जब आपकी इतनी नॉलेज जब आप उसमें लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर कॉपी के अंदर, तो एग्ज़ामिनर आपको अपने आप अच्छे नंबर दे देगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना।